टेक योर सीट। आर यू कंफर्टेबल? सर अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। सर मैंने अपना ग्रेजुएशन बिरबहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से किया है। मेरे ग्रेजुएशन का विषय है समाजशास्त्र, पॉलिटिकल साइंस और एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, और ऑप्शनल क्या है आपका? सर दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र, एक तो हमको दर्शन के बारे में बताइए, बिल्कुल हम नहीं जानते कि दर्शन होता क्या है। सर दर्शन का आशय जो है वो किसी भी विषय को एक गहन अध्ययन के रूप में लिया जाता है। जैसे कि सामान्य रूप से भारतीय दर्शन में इसे आत्म साक्षात्कार के रूप में इसका वर्णन किया गया है। हमको समझाइए कि शंकराचार्य का जो दर्शन और वल्लभाचार्य का जो दर्शन है, दोनों कंट्राडिक्टरी है, विरोधी है, या दोनों एक दूसरे को ही जस्टिफाई करते हैं? वल्लभाचार्य का दर्शन अभी मुझे याद नहीं आ रहा, शुद्धत्व नहीं याद आ रहा। शंकराचार्य सर उनका दर्शन अद्वैतवाद है। उन्होंने ब्रह्म को ही एकमात्र कहा। उनके अनुसार जो ब्रह्म है उनके अतिरिक्त कोई भी सत्ता सत नहीं। अच्छा, और जो जगत है उसको क्या माना? उन्होंने जगत और तमाम जो अन्य चीज़ें हैं जगत की से सब मिथ्या बताया। मार्क्स का दर्शन क्या कहता है जगत के बारे में? मार्क्सवाद क्या कहता है? सर मार्क्स जगत को ही सत मानता है, वो भौतिकवादी दर्शन। दोनों एक तो बिल्कुल ईस्ट है, एक बिल्कुल वेस्ट है। जी सर, आप किसके फेवर में हैं? सर अगर एक रूप में देखें तो दोनों ही अतिवादी दर्शन हैं, क्योंकि जैन धर्म इसमें ज़्यादा स्वीकार है, जैसे कि उसने अध्यात्म और वस्तुवाद दोनों का समन्वय किया। कैसे, कोई व्यवहारिक उदाहरण दीजिए, बताइए ये संदेश ये है जैन दर्शन में। सर जैन दर्शन में जैसे कि जो वस्तुएं हैं जैसे कि पत्थर हो गया, पौधे हो गए, उसमें भी जीव का अंश स्वीकार किया गया है, और उसे भी एक ईश्वर ईश्वर के या जो एक अवयव है उसके रूप में बताया गया। आपके जीवन का दर्शन क्या है? सर मेरे मेरे जीवन का दर्शन सर सर्वे बंतु सुखना है, और कर्मवाद को कर्मवाद पे मैं विश्वास करता हूँ। कर्मवाद पे विश्वास करते हैं, भाग्यवाद पे नहीं करते? सर थोड़ा बहुत है, लेकिन कर्मवाद विशेष। भाग्यवाद भी है। अभी सावन का महीना चल रहा है, शिव जी की पूजा होती है। जी सर। शिव में कुछ ऐसे गुण बताइए जो आपको बहुत प्रभावित करते हैं। सर शिव एक तो प्रकृति के एक अवतार माने जाते हैं, जैसे कि सावन में जो बेलपत्र चढ़ाया जाता है वो एक रूप में प्रकृति की पूजा ही है। दूसरा सर उन्होंने जैसे कि जब हम नाग की पूजा करते हैं तो एक रूप में हम जीव जंतुओं का जो संरक्षण एक तरह से संदेश दिया जाता है। लड़कियां शिव की पूजा, भाई शिव जैसा पति मिले, तो शिव में तो कोई खासियत है नहीं, पार्वती को क्या मिला शिव जी से? नहीं ना, बस शिव जैसा पति मिल जाए तो बेकार का ही है, इतनी घोर तपस्या पार्वती ने की। अच्छा, आपको इसका आभास नहीं है? नहीं सर। अच्छा, गुड। महात्मा गांधी का नाम सुना है? जी सर। महात्मा गांधी जी ने कुछ बात कही कि कुछ चीज़ें पाप हैं, इसमें सात चीज़ों की बात उन्होंने की, उसमें दो तीन बताइए क्या पाप सर? उन्होंने नैतिकता विहीन व्यापार को पाप बोला है, कर्म विहीन लाभ धन जिसे बोल सकते हैं उसको पाप बोला है, और त्याग बिना पूजा इसको पाप बोला है सर, और दो तीन सर क्या। अच्छा, महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक दर्शन दिया? जी सर। अष्टांगिक मार्ग बताया? जी। कोई एक मार्ग हमको बताइए सर। उन्होंने जो उनका चतुर्थ आर्य सत्य था वो अष्टांगिक मार्ग से ही संबंधित था, उसमें जो उन्होंने सम्यक वाक, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्मार्थ, इसी तरह से आठ मार्ग। सम्यक वाक समझाइए, मतलब आपने बता तो दिया। जी सर। सम्यक वाक का व्यवहारिक समझाइए कि होता क्या है सम्यक वाक सर? इसमें अगर एक लाइन में इसे समझे तो सत्यम बुरिया प्रियम बुरिया
से समझा जा सकता है कि सत्य बोलना चाहिए और ऐसा ऐसी वाणी बोलनी चाहिए कि जो सामने वाला है उसको किसी प्रकार का उसको हिंसा का आभास ना हो। सत्य बोलने से किसी को किसी की जान पे बनाए सर, ये परिस्थिति के अनुसार भी देखो सत्य बोलना चाहिए सर, सत्य अवश्य बोलना चाहिए चाहे किसी भी स्थिति में हो सर, कुछ परिस्थितियों को छोड़कर। तो नूपुर शर्मा ने तो सत्य ही बोला था, गलत क्या बोला सर? लेकिन उसमें धार्मिक जो भावनाएं हैं उससे ठेस तो किसी एक वर्ग को, सत्य का भी तो अलग अलग रूप है। जैन दर्शन ने अनेकांतवाद कर दिया, जब सत्य ही बोलना है पर एक ही पक्ष है तो अनेकांतवाद क्यों दिया सर? अनेकांतवाद सर, ये अनेकांतवाद तत्वमसि दर्शन है सर। तो उन्होंने सोचा होगा कि सत्य के एक एंगल नहीं होंगे, हो सकता आपके लिए जो सत्य हो इनके लिए ना हो, उनके लिए दूसरा सत्य हो। जी सर, आप तो अपने तरीके का सत्य बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि सत्य बोलना चाहिए सर। उसने जैन दर्शन में स्यादवाद में सात प्रकार के स्याद का वर्णन किया गया है। उसमें बताया गया कि जब हम किसी एक दृष्टि से किसी चीज़ को मानेंगे तो वो सत्य होगी, लेकिन वो दूसरी दृष्टि से हो सकता है वो असत्य हो। तो हमको सभी पक्षों का विचार करना चाहिए तथा उदाहरण राष्ट्रपति चुनाव और उपराष्ट्रपति चुनाव जी सर में कुछ सिमिलरिटी है या कुछ डिफरेंस है सर, को समझाइए। राष्ट्रपति जो चुनाव होता है वो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यों के में जो विधानसभा है उसके निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, और जबकि उपराष्ट्रपति में लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। ये बताइए कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए अनुच्छेद 61 में महाभियोग का प्रावधान है जी सर, संवैधानिक उल्लंघन के आधार पर जी सर। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संविधान ने क्या आधार बताया सर? कोई विशेष आधार नहीं बताया, क्योंकि उनका जो मुख्य उनकी जो मुख्य भूमिका है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में है। उन्होंने कोई अभी क्लियर मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन कोई विशेष आधार नहीं है। आधार नहीं है लेकिन प्रक्रिया तो है 67B में, वो क्या है सर? उसमें राज्यसभा जो है वो विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करती है। विशेष बहुमत से जी सर, या नितांत बहुमत से? नहीं सर, विशेष बहुमत, विशेष बहुमत। अच्छा, फिर उसके बाद सर जब वो पास हो जाता है तो लोकसभा के को स्वीकार करने के लिए जाता है। अगर लोकसभा स्वीकार कर लेती है तो सर आपके बैकग्राउंड में ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस भी है जी सर, क्यों कहा जाता है पॉलिटिकल साइंस इज द मास्टर ऑफ ऑल साइंसेस? सर क्योंकि कई बार देखा गया कि जो राजनीति होती है वो अन्य क्षेत्रों को निर्धारित करती है। जैसे कि हम श्रीलंका में देख सकते हैं कि जब वहाँ पे एक राजनीतिक एक या कुछ अन्य राजनीतिक डिसीजन ने एक अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बिखराव कर दिया उसका। और ये भी कहा जाता है कि पॉलिटिकल साइंस इज द मोस्ट डेमोक्रेटिक साइंस, ऐसा क्यों कहा जाता है? सर उसमें जो कई विचार हैं जैसे मार्क्सवाद हो गया, उदारवाद हो गया, सभी विचारों को एक चर्चा का मंच प्रदान करता है और उसी के एक में परिणाम जो परिणाम है वो लोकतंत्र है। जब राम को वनवास हुआ भगवान श्री राम को, तो भरत के साथ एक ब्राह्मण गए थे जमाली उनको मारने, जानते हैं? आपका फिलॉसफी में मोस्ट जो आप फेवरेट फिलोसोफर कौन किसको मानते हैं? जैन दर्शन को मानते जी सर। तो जैन दर्शन में अनेकांतवाद है जी सर, शायदवाद है जी सर, सप्तभंगी न्याय है जी, और ये भी श्रमण धर्म है जी। लेकिन इसका मूल अंतर क्या है बौद्ध धर्म से? सर बौद्ध धर्म में जो है इस आत्मा है उसको नित्य आत्मा को स्वीकार नहीं किया गया है, जबकि जैन धर्म में नित्य आत्मा को स्वीकार कर लिया है। और बौद्ध धर्म जो सत है उस अनित्यता को सत मानता है, जबकि जैन धर्म नित्यता और अनित्यता के समन्वय को सत मानता है। और कौन एक्सट्रीम नॉन वायलेंस को मानता है सर? जैन धर्म। क्यों एक्सट्रीम नॉन वायलेंस? सर उसने पत्थर में भी जीव को स्वीकार किया है। पत्थर में जीव या आत्मा? सर आत्मा। तो जीव आत्मा पर आत्मा और परमात्मा इनमें क्या फर्क है सर? परमात्मा जो है उसका उसकी तुलना
एक रूप में ईश्वर से की जाती है हमारे दर्शन में, जो कैवल्य उपाधि है वो परमात्मा के लिए की जाती है, और आत्मा जो है जो सामान्य जीव है जो बंधन में, तो परमात्मा तीर्थंकरों से ऊपर है या नीचे? परमात्मा तीर्थंकरों से ऊपर ऊपर है जैन धर्म के अनुसार। अच्छा ओके। तो जैन धर्म का जो जो महावीर शब्द है वो केवल बजरंग बली और महावीर जैन के लिए यूज़ होता है, वीर तो कई हैं लेकिन महावीर यही दो हैं, ऐसा क्यों? जैन धर्म आप जैनिज्म आपका मतलब फेवरेट एरिया है? हाँ सर, क्योंकि उसमें जो सयाद वाक है वो मुझे काफी पसंद आता है। सर हाँ, तो ये सप्तभंगी न्याय सेवन पॉसिबिलिटीज क्या क्या हैं वही बताइए। सर में जो तर्क शास्त्र है उसमें दो ही अस्ति और नस्ति को स्वीकार किया है, लेकिन जैन धर्म ने उसमें सात स्वीकार किए, जैसे स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अव्यक्तम, स्यात् अस्ति च नास्ति, स्यात् अस्ति च अव्यक्तम, स्यात् नास्ति च अव्यक्तम, स्यात् अस्ति च नास्ति च अव्यक्तम। जैन धर्म में अपरिग्रह की अवधारणा है, अहिंसा, अमृषा, अस्ते, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य जो जोड़ा, तो अपरिग्रह होने के बावजूद भी हम जैन समुदाय में काफ़ी धन संचय का इंक्लिनेशन देखते हैं, ऐसा क्यों? ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है, विरोधाभास क्यों? सर जो आदर्श होता है और जो व्यवहार होता है उसमें थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं अंतर देखने को मिलता है, लेकिन जैन धर्म में देखा गया है कि जो समाज कल्याण की भावना है वो अधिक रहती है, वो लोक कल्याण के लिए धन को खर्च भी करते हैं। अच्छा, ये कंट्राडिक्टरी बात है। सर आप अपने जिले के किसी साहित्यकार का नाम मैम को बताइए। राहुल संस्कृता है। राहुल संस्कृता है, ठीक है, क्या योगदान है उनका? सर वो जो यात्रा वृतांत है उनमें उनका उसके कारण उनका नाम विख्यात है, और इसके साथ साथ वो स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं। रामायण जो है श्री वेद व्यास जी ने लिखा है, और उसका है उसका मुख्य रूप से ये है कि पिता पिता माता के आदेश का पालन करना और व्यक्तिगत जो लाभ है उससे ऊपर उठ के पर कल्याण। और रामचरितमानस ने लिखा है महाभारत किसने लिखा है? कोई बात नहीं, कोई ठीक है, बताइए बताइए। शायद थोड़ा फुल्ली हो रहा है तो वाल्मीकि जी ने लिखा है रामायण और वेदव्यास जी ने महाभारत। कोई बात नहीं, आप ये बताएं कि आप जो दर्शन पढ़ते हैं आत्मा परमात्मा की बात करते हैं या परलोक की बात करते हैं, उसका प्रशासन में क्या यूज है? सर ऐसा आपको तो इस जगत को सत्य मानना है, शंकराचार्य भले मान लें जगत को सत्य। सर ऐसा नहीं है, उसमें सिर्फ आत्मा ही आत्मा परमात्मा को ही पढ़ा जाता है, सामाजिक राजनीतिक जो दर्शन है उसमें न्याय और स्वतंत्रता समानता जो हमारे संविधान में मूल हैं उसकी भी पढ़ाई की जाती है, और इसके साथ साथ जो गीता में निष्काम कर्म का उपदेश दिया गया है वो प्रशासन में काफ़ी उपयोगी रहता है। अच्छा, निष्काम कर्म क्या है? सर इसमें एक वाक्य में देखें तो कर्मणे वाधिकारस्ति मा फलेषु कदाचना का, जैसे कि आपका आप प्रशासन में होते हुए कर्म करिए जो भी आपके अधिकार क्षेत्र में है, और उसके फल की चिंता आप मत करिए। भी तो कहते हैं सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सब कुछ छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ, आप भी कहेंगे कि सारे संसाधन मेरी शरण में आ जाओ, कह सकते हैं? नहीं सर, उसमें जैसे कि तीनों मार्ग का वर्णन किया गया गीता, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग, तो जब कभी भी मनुष्य अपने मान जो उसका ध्येय है उससे विचलित होता है तो किसी भी मार्ग का सहारा ले सकता है, जैसे अगर कोई मनुष्य भावनात्मक अधिक है
तो भक्ति मार्ग को अपनाते हुए कर्म मार्ग पे चल सकता है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, श्रीलंका क्राइसिस का इंटरनल एक कारण और एक्सटर्नल एक कारण बताइए। सर, इंटरनल एक कारण जो मुख्य रूप से है वो इनका जैविक कृषि को अचानक से एक प्रकार से थोपना है श्रीलंका, क्योंकि उन्होंने जो रासायनिक उर्वरक है उसका आयात प्रतिबंधित कर दिया, इससे कि इससे पूरा जो कृषि उत्पाद है वो पूरा प्रभावित हो गया और फूड क्राइसिस आ गई। और जो बाह्य कारण है उसमें जो चीन से उन्होंने ऋण लिया था उसकी उसके कारण जो उनके निर्णय थे वो प्रभावित हो रहे थे। ठीक है, तो ये थ्रेट भारत को भी है क्या? सर देखा जाए तो सर, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान तो है, लेकिन भारत में नीतिगत जो निर्णय लिए जाते हैं वो काफ़ी लोकतांत्रिक रहते हैं। जैसे कि भारत जैविक कृषि की तरफ बढ़ तो रहा है, लेकिन वो अपने जो कदम है वो बहुत धीमे धीमे से बढ़ा रहा है। जैसे कि अभी बजट में देखा गया कि उन्होंने, भारत सरकार ने गंगा के आसपास जो क्षेत्र है उसमें 100 किलोमीटर के दायरे में जैविक कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए कहा था, ना कि अचानक से पूरी तरीके से भारत को जैविक देश घोषित कर रहा है। ठीक है, ओके, थैंक यू। आपका फॉर्मल इंटरव्यू खत्म हो गया, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिए। जब मैं प्रेशर में आता हूँ तो थोड़ा सा मेरी आवाज़ गड़बड़ा। ये सबके साथ है, लेकिन इसका उपाय क्या है? ये तो प्रॉब्लम पार्ट है, सॉल्यूशन पार्ट ये है कि आप तुरंत जवाब देने की कोशिश मत कीजिए। जी सर, टेक योर टाइम, थोड़ा सा इत्मीनान, थोड़ा सा आराम से बोलने से और टाइम के साथ सही बोली, मतलब ये नहीं जल्दीबाजी में गलत बोलने के बजाय। जैसे आप जैन धर्म का फेवरेट है, उसके बाद भी आपने कहा कि नहीं जो ईश्वर का अवधारणा है, जबकि जैन धर्म तो ईश्वर ईश्वर को मानता है लेकिन वो तीर्थंकरों से नीचे मानता है, उनको भगवान को तीर्थंकरों से भी नीचे मानता है जैन धर्म, पता होगा आपको, नहीं पढ़ा आपने? नहीं पढ़ूंगा। तो ये जो चीज़ है, ये फैक्चुअली कुछ चीज़ें ऐसा आपने बोल दिया, रामायण वेद व्यास बोल दिया, कोई बात नहीं, हो जाता है, हो जाता वो है हड़बड़ी में, लेकिन औसत रूप से आपका संतुलित है। ठीक है, वॉल्यूम तो ठीक है, इससे बढ़ाएंगे तो ऑफेंडिंग हो जाएगा और घटाएंगे तो सुने आई नहीं देगा, तो स्ट्रगल करना पड़ेगा। ठीक है, वॉल्यूम में कोई दिक्कत नहीं, वॉल्यूम ठीक है, लेकिन थोड़ा बोर्ड को थोड़ा लाइटर मोड में भी ले आइए, हमेशा सीरियस बने रहना, थोड़ा मुस्कुराना, हाँ थोड़ा मुस्कुराना है ना, यानी हल्का सा। आप सोचिए कि बोर्ड जो है उदासी का वातावरण चैम्बर में ना हो, तो इसका भी ध्यान रखना है, कोई अपने आंसर से, कुछ अपने इनोवेटिव आइडियाज से, कुछ नएपन से, मतलब थ्योरी का ज्ञान तो हो ही चुका है, आप मेंस पास कर चुके हैं, अब तो पर्सनालिटी का टेस्ट है, तो पर्सनालिटी में आप कृष्ण को देखिए, राम को देखिए, कहीं तनाव नहीं है चेहरे पर, है ना, और सॉल्यूशन पर ध्यान देना है, उसके व्यवहारिक आंसर पर ध्यान देना है, तो हो जाएगा। एक बात अपने मन में बिठाइए कि इंटरव्यू में सभी प्रश्नों का सटीक फैक्चुअली करेक्ट जवाब देने के लिए आप नहीं बैठे हैं, अगर ये सोच के बैठेंगे तो घबराहट बढ़ जाएगी, कि आप मान के चलिए कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा और जिसमें हमें कहना पड़ेगा सॉरी सर आई फेल टू रिकॉल और मैं इसको रिकॉल नहीं कर पा रहा, तो ऐसा बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। जी सर, ये सोच के चलेंगे नहीं एक एक क्वेश्चन का जवाब देना है, तब तो फिर प्रॉब्लम होगी, या इस माइंडसेट के साथ मत जाइए। और वो आपकी कई बार ईमानदारी को टेस्ट करने के लिए, जो आपका फेवरेट एरिया नहीं उससे दूसरा एरिया पूछेंगे कि क्या आपकी करेज और ईमानदारी है कहने का कि हाँ मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानता, हर क्वेश्चन में जबरदस्ती आंसर देना और एक होता ईमानदारी से बोल देना ये मुझे नहीं पता। ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें क्या है, दुनिया का नॉलेज का तो कोई लिमिट नहीं है, सबको सब कुछ पता हो नहीं सकता, जवाब नहीं दे पाते कॉन्फिडेंस का कोई बात नहीं, सॉरी कहिए, कॉन्फिडेंस का क्या, नहीं बहुत सारे लोग जवाब नहीं दे पाते भाई, उधर जो भी बैठेगा तो प्रेशर में रहेगा ही, तो इसलिए आप जवाब नहीं दे पाते तो उससे व्यक्तित्व का व्यक्तित्व तो बना ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं आपके पास, सॉल्यूशन देखेंगे कोई फैक्ट ही तो होगा, इसमें इतना एम्बेरस होने की जरूरत नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी से भी स्लैंग हो गया ना मिस, कि उन्हें बोलना कुछ है और है, चंद्रगुप्त मौर्य को कहाँ का बता दिया कि गुप्त चंद्रगुप्त लगा है तो उन्होंने सोच लिया गुप्त वाले होंगे, ये नहीं सोचा मौर्य, तो हो जाता है, जब प्रधानमंत्री से हो सकता है तो आपसे हो गया, कौन सी बड़ी बात, लेकिन उसको एम्बेरेसिंग नहीं लेना है, उसको ऐसा नहीं लेना है कि एकदम एकदम खत्म हो गया या
डिस्ट्रॉय स्पॉइल हो गया मेरा इंटरव्यू, ऐसा नहीं? वही चेहरे पे सर थोड़ा सा स्माइल चाहिए। हाँ, बिल्कुल ठीक है आपका। तनाव नहीं है, होना चाहिए आपका सिलेक्शन, है ना? थैंक यू। ठीक है, ठीक, गुड गुड।